प्याज कैसे दे रहे हो? 165। ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? एक दो बंदे बिठाओ, लाइन कम करो भाई। स्टाफ ज्यादा करो, स्टाफ अपना ज्यादा करो। लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बताना दे क्या लेके जा रही है? अच्छा, आज क्या बनाना है इफ्तारी में? आपके डायरेक्शन के ऊपर। और ये कहाँ का? ये सुंदर और एक क्वालिटी, एक रेट। ध्यान से उसके कप ना तोड़ देना। हल्का नंबर 129 मैरिज का साहब के हल्के से ये जॉब दिलवा दो। मेरा नंबर दो। ठीक हो? कैसे दे रहे हो टमाटर? टमाटर 148। और प्याज? प्याज हमारे पास नहीं है। क्यों? नहीं, मैंने तो लाया नहीं। अच्छा, आलू कैसे देते हो? आलू भी नहीं मेरे पास, ये उनका बड़ा है। ये उनका है। और ये नींबू कैसे देते हो? ये 275 है, ये 100 किलो। चाइनीज कौन सा है इसमें से? ये चाइनीज है। और अदरक कैसे दे रहे हो? अदरक 510 रुपये किलो। नहीं तो जो एक इम्पोर्टेड है ना, एक दूसरी है, ये कौन सी है? ये चाइना की है। ये 510 रुपये किलो है। और जो दूसरी है वो कैसे? वो भी एक ही रेट है। ज़्यादा खुशी हुई आपको देख के। कहाँ से आए? ये से आए। बेहतर प्राइसेस पे मिलती है चीज़? प्राइस बेहतर तो नहीं है, आपको सामने है आवाम कैसे चीख रही है। जो देखा जाए ना, फर्स्ट टाइम आपसे बात। ये कैसे लिए आपने प्याज? मैंने मिक्स लिया है। देखा जाए ना, मेरी एक दिली ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। ये गरीब आवाम उनका आपने ख्याल करना, इंशाल्लाह ठीक है। इसीलिए आपने ख्याल करना है, ये जो आपके साथ है ना, इसीलिए साथ है। अब आवाम का ख्याल है, बिल्कुल इसीलिए आई हूँ आपके पास। मैंने आपको देखा, आप बच्चों के पास जाती हैं, स्कूल जा रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं, देख रही हैं। यानी कि एक औरत है वो ये छोटी छोटी बातों को समझ सकती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो मुझे अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आज क्या बनाना है इफ्तारी में आप बताते हैं? नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैं आपकी बहुत फैन हूँ, मैं आपकी बहुत फैन हूँ। आपका मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो। आपको हम इधर से ही आए हैं जी। हम प्याज की लाइन लेने लगे हुए हैं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्याज की लाइन है। तकरीबन जब नई लिस्ट आती है ना, फिर चेंज ही करते हैं। बिस्किट किराने वाली है ना, अंडों वगैरह की रोजाना आती है, वो लगी हुई है। ये मैम आती है जब भी चेंज होती है, 15 दिनों के बाद या 20 दिनों के बाद तब आती है। ये अंडों की रोजाना चेंज होती है। अब तो कुछ कम हो गई है, वो तो नहीं कहीं भी हो रही है। कैसे बच्चे अच्छे हो?